हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं फिर से एक और बार एक इंटरेस्ट और डिफरेंट टाइप की वीडियो पे, जिसका टाइटल है फैक्ट्स अबाउट एंजल जबरील इन इस्लाम। मतलब सिंपल आप समझ गए होंगे कि एंजल जबरील के बारे में इस्लाम में क्या फैक्ट्स है, क्या तथ्य है, वो बताए गए हैं इसके अंदर और एक्सप्लेन किए गए हैं हिंदी में। एंड शुक्रिया आपने हमें ये वीडियो सजेस्ट की, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ा था, एक हमने ये वीडियो मैंने बिल्कुल नहीं देखी है अब तक, और एंजल जबरील के बारे में भी हमें इस वीडियो में हाँ जानने को मिलेगा। मतलब हमने किसी ने नहीं देखी है, और देखनी है ना, उस पर रिएक्शन देना होता है तो मजा आता है। मतलब मजा आता है और नई चीजें जैसे एंजल जबरील, इसके बारे में हमें सीखने को मिलेगा, ये क्या है, कौन है, और इनके बारे में हमें जानने को मिलेगा। बेसिकली ये है हमारा मतलब मेन मोटिव, और आप लोगों के लिए हम रिएक्शन कर देते हैं। अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, हमें बताते हो कि आप कि इस वाली वीडियो पर रिएक्शन कीजिए, आप आगे भी ऐसे करते रहे, और वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर अपना एक कमेंट डाल देना कि हम आगे कौन सी वीडियो पर रिएक्शन करें, और वीडियो प्लीज़ कंप्लीट देखा करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर हो, तो आप लोग साथ दोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप, थैंक यू उसके लिए। और अगर आपने हमारे न्यू चैनल का लिंक नहीं देखा है या नहीं देखा है, मेकिंग ब्लॉपर चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉप पे, आप जाइए और उसको देखिए। पहले इस वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं, फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हाँ, अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक़ात में से तीन ऐसी अहम तीन मखलूक़ात हैं जिन्हें नहायत अहमियत और मरकज़ी हैसियत हासिल है, एक इंसान, दूसरा जिन्नात और तीसरा फरिश्ते। इन तीनों को अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किया गया, मगर सिर्फ इंसानों और जिन्नात में नफ्स परस्ती और ख्वाहिशात का मादा पैदा करके इन्हें अपनी मर्जी या राय का इजहार करने की आज़ादी भी दे दी, ताकि अल्लाह ताला इनकी आजमाइश कर सके। जबकि फरिश्ते अल्लाह ताला की एक ऐसी ख़ास मखलूक हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, वो हुक्म इलाही के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान में रूह डालने से लेकर रूह निकालने तक, अमाल नामा तैयार करने से लेकर कब्र में सवाल करने तक, और जन्नत में जन्नती लोगों की खिदमत या जहन्नुम में जहन्नमी लोगों को सजा देने के लिए फरिश्तों का ताल्लुक इंसान के पैदा होने से लेकर इसके मरने तक के साथ जुड़ा हुआ है। फरिश्तों में सबसे बड़ा मकाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का है, जो फरिश्तों को सिखाने वाले या यूं कहें कि फरिश्तों के पैगंबर हैं और अल्लाह ताला के सबसे करीब मौजूद हैं। एंजल जिब्रील के बारे में, सिदरतुल मुंतहा सातवें आसमान पर मौजूद एक बेरी का दरख्त है, जहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की हद है, और वह इसी जगह से अल्लाह ताला का हुक्म वसूल करके तमाम फरिश्तों की ड्यूटी और कायनात के तमाम अमूर को सर अंजाम देते हैं। इनके बारे में इस्लामी रिवायात में बहुत ही कम जिक्र मौजूद है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक चंद ऐसे अहम तरीन हकायक बयान करेंगे जो यकीनन आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की पैदा करदा सबसे पहली तख्लीक हैं जो ज़िंदा हैं। इन्हें बिना किसी माँ बाप के और किसी असबाब के बगैर अल्लाह ताला ने खुद सबसे पहले पैदा किया, यानी वो पहली तख्लीक हैं जो अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए और इनके अंदर रूह मौजूद थी। हमारी दुनिया के अंदर जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो वो रोने की आवाज़ें निकालते हैं या बेमायनी बातें करके शोर करते हैं, मगर जब फरिश्तों को पैदा किया जाए, खसूसन सबसे पहले जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले क्या अल्फाज बोले? हज़रत सईद इब्ने मुसैब से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब भी फरिश्तों को पैदा फरमाता है, तो पैदा होने के बाद इनके मुंह से सबसे पहले अल्फाज ये निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई ज़ात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के भी थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे फरिश्तों के बारे में चंद बातें बताने की इजाज़त मिली है, वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह ताला का अर्श उठा रखा है, इनके कान की लू और कंधों के दरमियान 700 साल का फासला है। इब्ने खुज़ैमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि 700 साल की मुसाफत से मुराद एक तेज़ रफ्तार परिंदे का लगातार 700 साल तक उड़ते रहना है। इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितने बड़े काम या जिम्मेदारी जिस फरिश्ते को दी जाती है, उसका साइज़ और रुतबा उतना ही बड़ा होता है। सो अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम सब फरिश्तों से बड़ा है, और यकीनन अल्लाह के अर्श के फरिश्तों से भी इनका साइज़ या जिसामत भी बड़ी है, या यूं कहें कि फरिश्तों में सबसे बड़ी जिसामत। वो अल्लाह का हुक्म हर एक पैगंबर यानी 1,24,000 पैगंबरों तक पहुंचाते रहे, उनकी दुख और तकलीफ में मदद की, कई कौमों को तबाह किया, और अब भी आसमानों पर अपनी ड्यूटी और अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मसरूफ़ हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जो कि पूरे एक शहर पर आबाद थी,
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ अपने एक पर के नुकर से इस पूरे शहर को उठाकर तबाह कर दिया, जिससे आप इनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के नीचे मौजूद हैं, जबकि इन्हें अपनी असली सूरत के अंदर मैंने देखा है। इनके 600 पर हैं जिन्होंने पूरे आसमान को कवर कर लिया था, यानी कि जहाँ भी नज़र दौड़ाओ उन्हीं का वजूद था। वो अपने तख्त पर बैठे थे जो अल्लाह ने इन्हें अता कर रखा है। इनके ये 600 पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से भरे हुए हैं। इनके परों का रंग सब्ज है, पाँव के तलवे भी सब्ज हैं। पाँव पर एक बड़ा मोती है जो सब्ज़े पर शबनम के कतरे की तरह गिरा हुआ महसूस होता है। इनकी पेशानी रोशन और बाल घुंघरियाले हैं, दांत चमकदार और सर मरजान से भी ज़्यादा सफ़ेद है। कोई एक भी पैगंबर अब तक इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए जिनका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ न रहा हो। और ये सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ होकर इनसे डायरेक्ट कलाम नहीं किया, बल्कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये पैगाम पहुँचाते रहे। सो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो इनकी तदफीन के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुसल देकर इनकी तदफीन की। यानी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानियत के आगाज़ और इससे पहले तमाम जिंदा मखलूक से पहले मौजूद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ी के चक्कर लगाने लगें, तो अल्लाह ताला ने इस वीरान जगह के अंदर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अपने पाँव की एड़ी से यहाँ पर ठोकर मारी और इस जगह पानी का चश्मा जारी हो गया जो फैल कर पूरी दुनिया का अहाता करने लगा। लेकिन हज़रत हाजरा के जमजम कहने पर यह रुक गया। अब जमजम 8000 लीटर पर सेकंड इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि 691 मिलियन लीटर हर रोज़। लेकिन ये आज तक खुश्क नहीं हुआ, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत से है जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इस चश्मे को जारी करके दिखाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा की तामीर कर ली तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इन्हें हज करने का तरीका बताया और जिस जगह पर शैतान मौजूद था वहाँ पर कंकरियाँ मारने को कहा, जिसे जुमरात कहते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया तो इस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इन्हें गिरने से पहले अपने हाथों में उठाकर ज़ख्मी होने से बचा लिया, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस वक्त लेकर आसमानों पर तशरीफ़ ले गए जब लोग आपको कत्ल करने का प्लान बना रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहली बार बचपन में देखा जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लिटाकर आपका सीना मुबारक चाक किया और एक सोने की तश्तरी में रखकर इसे आबे जमजम के पानी से धोया और फिर वापस अपनी जगह पर लगा दिया, जिसके बाद वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर नाजिल होते रहे। एक बार सहाबा किराम की महफिल के अंदर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल के अंदर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घुटने जोड़कर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए और इनके जाने के बाद अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम को बताया कि ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को सामने देखना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम इसकी ताब नहीं ला सकोगे। लेकिन जब उन्होंने ज़िद की तो आपने फरमाया कि ठीक है, और इनको काबे पर ले गए जहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब हज़रत हमज़ा ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को इनकी असली शक्ल के अंदर देखा तो इनके सिर्फ पाँव को देख कर बेहोश हो गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही अल्लाह के रसूल को साथ लेकर सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गए और तमाम आसमानी रास्तों का अबूर करते हुए सिदरतुल मुंतहा के बेरी के दरख्त पर पहुँच कर कहने लगे कि यह मेरी हद है, अगर मैंने इससे आगे जाने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अकेले इसके आगे तशरीफ़ ले गए। क़यामत के रोज़ हर जिंदा चीज़ को फना होना है और अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई भी ज़ात बाकी नहीं रहेगी, लिहाजा हर जिंदा मखलूक के ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला के चार फरिश्ते यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, इसराफ़ील, मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत आएगी, जबकि इन चारों फरिश्तों में सबसे आला मकाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें सैयदुल मलाइका भी कहते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम इनका लकब है जबकि इनका असल नाम अब्दुल्ला है। जब क़यामत के रोज़ सूर फूंका जाएगा तो दुनिया व कायनात की हर चीज़ तबाह हो जाएगी सिवाय इन चार फरिश्तों और आसमान को उठाने वाले फरिश्तों के। सो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला पूछेंगे कि कौन बाकी है, वो बताएंगे कि अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्ते और हम चार बाकी हैं। सो अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की रूह कब्ज़ कर लो, जिसके बाद हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, फिर इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी।
इसके बाद अल्लाह ताला पूछेंगे कि अब कौन जिंदा है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ऐ अल्लाह तेरी लाफानी ज़ात और मेरी फ़ानी ज़ात बाकी है और कोई नहीं। इसके बाद खुद अल्लाह ताला हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ करेंगे और अल्लाह ताला तीन मरतबा ऐलान करेंगे कि आज के दिन किसकी बादशाही है, आज के दिन किसकी बादशाहत है, आज के दिन किसकी बादशाहत है। फिर खुद फरमाएंगे कि इस एक ज़ात की बादशाहत है जो ज़बरदस्त है। उन्होंने देखो यार, ये कहानी हमने मतलब ये वाली स्टोरी ना हमने सुनी है ना, जैसे हम यो जमजम वाले कुएं के हम एक सीरीज स्टार्ट की हुई है रिएक्शन की, मोहम्मद सबके लिए पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री थ्री तक पहुंच गए, उसके अंदर बताया था जमजम का कुआ कैसे उभरा था, तो ये वाला इन्होंने किया है और हमें काफ़ी समझ में आया इसलिए ये, क्योंकि हमने पहले हम कर रहे हैं वो वाली सीरीज भी, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे ऑलरेडी है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री। पता था हमें कि फरिश्ते कैसे पैदा होते हैं, हम तो सिर्फ भगवान से, मतलब तो भगवान ही बनाते भगवान है, बट और फरिश्ते और इन्होंने एक और बताया लास्ट में कि पहले वे जाएंगे फिर अल्लाह ताला पूछेंगे कि मतलब कौन बचा है, फिर फरिश्ते जो जिन्होंने आसमान को उठाया उनकी भी रूह का लेकिन ये हमने ये वाला उसमें किया था शायद मौलाना तारिक जामिल जी की वीडियो में हमने सुना था ये वाला है ना कि फिर उसको और फिर उनके भी जान ले लगे जो बचे हैं लास्ट में वो वाला, तो ये काफ़ी मिला जुला है मिक्स है और हमने इस टाइप की वीडियो पे रिएक्शन किया हुआ है। हाँ सुनने में अच्छा लगा और ये वाली कहानी बहुत, ये वाली जो इन्होंने बताया हमें एक हिस्ट्री टाइप, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। और जैसे कि मैंने कहा कि हमने एक सीरीज़ रिएक्शन की शुरू की है मोहम्मद सब के लिए पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री हमने कर दिया है, वो जल्द पार्ट फोर भी आएगा। अगर आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं एंड स्क्रीन पे या फिर आप देख लीजिए चैनल पे है, मैं एंड स्क्रीन पे लगा देता हूँ हालांकि। और बाकी आप लोग बताइए आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, हमारी वीडियो को लाइक भी करें। हाँ और आप अगर आपने न्यू चैनल नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए टॉप पे है और आप न्यू चैनल पे जाइए, हमारे दो वीडियो पड़ी हुई है, बताइए हमें कैसी लग रही है आपको वे वाली वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना हमारा रिएक्शन कैसा लगा और कमेंट कर दीजिए हम नेक्स्ट किस पार्ट पे रिएक्शन करें या कौन सी वीडियो पे रिएक्शन करें। एंड आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं प्यार कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू, एंड मिलते हैं आपसे इसी तरह की फिर आने वाली किसी भी एक और वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय एंड टेक।